केंद्र सरकार ने शासकीय स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई थी, जिसके तहत सभी छात्र छात्राओं को खाना वितरित होता है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां समूह संचालकों की मनमानी चलती है। दरअसल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक विद्यालय ऐसा है जहां स्कूल में लंच हुआ तो सभी विद्यार्थी अपने अपने घर जाने लगे, और जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। वहीं प्रशासन इस मामले में बेखबर नजर आ रहा है। नाम है आपका? गणेश। अभी आप कहाँ जा रहे थे? घर। क्यों? खाना खाने। यहाँ नहीं मिलता स्कूल में? कितने दिनों से नहीं मिला? 3 दिन से। अभी आप लोग सारे बच्चे घर जा रहे थे, क्यों जा रहे थे घर? खाना खाने के लिए। यहाँ खाना नहीं मिलता है? हाँ। कितने दिनों से नहीं मिला? 3। 3 दिन हो गए। और पहले मिलता था या नहीं मिलता था? पहले मिलता था। मीनू अनुसार मिलता है कि क्या क्या मिलता है खाने में? दाल, एक आधे दिन खिचड़ी और रोटी। खीर मिलती है? खीर मंगल को मिलती है। मैं तो सभी को बार बार सूचित करता हूँ, और अभी 3-4 दिन से नहीं आया खाना। इसके पहले पूर्व भी नहीं आया था, तो संपर्क करके जन शिक्षक को बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भेज नहीं खाना। आप क्या कार्रवाई करते हैं अपनी कागजी कार्रवाई? हम लोग सूचित करते हैं।